हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु एकेडमी में। आज हम ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों पर चर्चा करेंगे, जो कि स्टेट पीसीएस तथा वनडे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में ये मिलान करने के लिए देता है तथा वनडे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित शहर का क्या उपनाम है। तो आइए जानते हैं कौन से शहर का क्या उपनाम है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीएस और करंट अफेयर्स के लगातार अपडेट मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक कर दें तो मुझे और रीइन्फोर्समेंट मिलती है कि मैं और सारी वीडियोस बनाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, और रोम जो है इटली का एक शहर है। पोप का शहर रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण महिला रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं। इटरनल सिटी या होली सिटी रोम को कहते हैं। तो ये छह उपनाम हैं रोम के, और रोम जो है इटली का एक शहर है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं। और आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहते हैं। कभी कभी इसको जो है विश्व का चीनी का कटोरा लिख देता है हिंदी में, तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। न्यूयॉर्क यूएसए में है। पर्ल ऑफ द ऑरियंट सिंगापुर को कहते हैं। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहते हैं। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहते हैं। शिकागो यूएसए में है। चीन का शोक हुआंगवो नदी पीली नदी को कहते हैं, और कभी कभी पीली नदी के स्थान पर येलो रिवर दे देता है एग्जाम में, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। चीन का शोक हुआंगो नदी को कहते हैं, और हुआंगो नदी को पीली नदी या येलो रिवर कहते हैं। 14वां, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो को कहते हैं। क्वीटो जो है इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर में एक चीज़ और है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कोटापैक्सी। कोटापैक्सी एक ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है। 15वां है हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। देखिए, आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स होते हैं उनको कभी कभी कंगारू कह के संबोधित किया जाता है, तो लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को कहते हैं। 21वां है लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। होली लैंड जेरूसलम को कहते हैं, और जेरूसलम इज़राइल का एक प्रमुख पवित्र शहर है, तो होली लैंड जेरूसलम को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन को कहते हैं। एवरडीन स्कॉटलैंड में है। एमाल द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं, और आपने सुना होगा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। न्यूयॉर्क यूएसए में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस या वेनिस को कहते हैं, और वेनिस जो है इटली का एक प्रमुख शहर है। पूर्व का वेनिस या अरब की रानी कोच्ची को कहते हैं, और कोच्ची तो आपको पता ही होगा भारत में है, भारत के केरल राज्य में। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी चुका है, और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी पूछ चुका है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। 34वां है लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस को कहते हैं। 35वां है लीली का देश कनाडा। 36वां है नेवर नेवर लैंड, ये प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं। देखिए, प्रेरीज जो होती है घास का मैदान होता है, ये 2015 के यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं। हैरिंग बोंड अटलांटिक महासागर को कहते हैं। संसार की छत पामिर के पठार को कहते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को कहते हैं, और स्टॉकहोम स्वीडन का प्रमुख शहर है। देखिए, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा, स्वीडन अलग देश है और स्विट्जरलैंड अलग देश है। गोरों की कब्र जो है गिनी तट को कहते हैं, और गिनी तट जो है दक्षिण अफ्रीका में है। लैंड ऑफ केक्स जो है स्कॉटलैंड को कहते हैं। काकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं।
सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को कहते हैं, ऑक्सफोर्ड जो है इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं, अभी म्यांमार हाल ही में चर्चा में है रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा को कहते हैं। और सात टापुओं का नगर मुंबई में मुंबई को कहते हैं। अब मुंबई तो पता ही आपको भारत में है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जा चुका है। सात टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई, याद रखिएगा। 51वां है पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका को कहते हैं, और ओसाका जापान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ पे मोटर वाहन बनाए जाते हैं भारी मात्रा में। 52वां है फॉरबिडन सिटी, ल्हासा को कहते हैं। ल्हासा तिब्बत का एक प्रमुख शहर है। इंग्लैंड का बागीचा केंट को कहते हैं, केंट इंग्लैंड में है। भारत का बागीचा बंगलौर को कहते हैं, और बेंगलोर जो है भारत का एक प्रमुख शहर है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मऊब जलडमरू मध्य को कहते हैं। 56वां है मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। 57वां है यूरोप के बारूद का पीपा बालकन को कहते हैं। 58वां है लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन को कहते हैं। श्वेत नहर बेलग्रेड को कहते हैं, और बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में है। भारत का मसालों का बागीचा, देखिए ये यूपीपीसीएस तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भारत का मसालों का बागीचा किसे कहते हैं, और एसएससी में तो बार बार पूछा गया है। तो केरल याद रखिएगा, भारत का मसालों का बागीचा केरल को कहते हैं। 61वां है स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं, और वियना जो है ऑस्ट्रिया में। देखिए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश हैं, ठीक है। तो स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिया में है। विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। 63वां है एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। 64वां है आइलैंड ऑफ क्लोब्स जंजीवार को कहते हैं, जंजीवार तंजानिया में स्थित है। 65वां है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल को कहते हैं। 66वां है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहते हैं। 67वां है पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहते हैं। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं, ये एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। 69वां है सुकुमार फूलों का देश जापान को कहते हैं। और आखिरी और 70वां है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहते हैं। तो ये वीडियो ही समाप्त होता है, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी जीएस और करेंट अफेयर का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीएस और करेंट अफेयर्स के लगातार अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।